बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पाकिस्तान देसी रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज की जो रेसिपी है वो चटपटे से और क्रिस्पी से पकोड़ों की रेसिपी है। पकोड़े कौन से? पकोड़े सब्ज़ी वाले पकोड़ों की रेसिपी है, मिक्स सब्ज़ी वाले पकोड़ों की रेसिपी है। ये रेसिपी यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से जो है सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वैसे ही रहने दें, बस जो सब्ज़ी आपको चाहिए या जो आपको पसंद है उसके अंदर ऐड कर दें। आलू के अलावा, आलू तो ज़रूर डालते हैं, पकौड़े आलू के बगैर तो होते ही नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें जो है यहाँ पे मैंने एक स्मॉल साइज़ का जो है बैंगन लिया है, या 1 कप कह लें इसको। तो उसको जो है बैंगन को मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है, और वो लेंगे हम। और साथ में जो है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ जो है आलू थे उसको मैंने काट के इस तरह रख लिया है। इस तरह के जो है पीस करने हैं आपने। और इसके अलावा जो है यहाँ पे 1 कप के करीब या 1 प्याली के करीब जो है हमने पालक ली है। पालक को भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है। ये 3 सब्जियाँ जो है वो जाएंगी मेजर हमारी सब्जी वाले पकौड़ों में। इसके अलावा जो है आप गोभी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, जैसे चाहें जो मर्ज़ी सब्जी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है धनिया और हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा है, मैंने थोड़ा सा काट के इसको रख लिया है, इतना सा चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो है यहाँ पे 1 मीडियम साइज प्याज है उसको कट करके रख लिया है। यहाँ पे बेसन चाहिए, बेसन तकरीबन 1/2 प्याली या आधा कप चाहिए हमें। हजूर पानी चाहिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पे चिली पेस्ट है, चिली पेस्ट यानी कि सब्ज़ मिर्चों का जो है पेस्ट है। और ये तकरीबन मैंने 5 से 6 अदद जो है सब्ज़ मिर्ची जो है इसको काट अच्छी तरीके से कूट के रख लिया था। और इसके अलावा जो है यहाँ पे 1 सब्ज़ मिर्च मैंने कट करके भी रखी हुई है। और इसके अलावा जो है मसाला चाट में हमें चाहिए होगा 1/4 जो है टीस्पून के करीब जो है गर्म मसाला, और 1/4 ही जाएगा यहाँ पे काली मिर्च पाउडर। और इसके अलावा एक टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी का, और 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर जाएगा। हसबी ज़रूरत नमक जाएगा। सेंटर में 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है खुश्क धनिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी हमारा जो है आज के मज़ेदार से पकौड़े बनाने के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें एक बर्तन चाहिए। इस बर्तन के अंदर हम जो है बेसन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसन ऐड कर दिया है मैंने। आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करना है, इतना नहीं पानी ऐड करना, बस हल्का सा ऐड करना है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सख्त वाला पेस्ट हमें इसका बनाना है, और ज़्यादा नहीं करना। तो मैं इसको जो है मिक्स करती हूँ। ओके, इसके बाद जो है देखें आप, मेरा जो है बेसन मैंने रेडी कर लिया है, भिगो लिया है। और पानी आप देख लें, ये बहुत कम ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब, या फिर आपने या फिर इतना ऐड करना है कि ये थिक और बहुत ही ज़्यादा जो है सख्त वाला पेस्ट बन जाए। आप देख सकते हैं ये बहुत सख्त है, कि देखिए बहुत सख्त है, और ये हमें चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो बेसन बहुत कम है और हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमें जो है बेसन को एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ करना है, कि बाइंड करने के लिए यूज़ करना है इसको, काफ़ी ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो ये हमारा तकरीबन इसको 15 मिनट भिगो के रखें, और उसके बाद फिर इसमें चीज़ें ऐड करके पकौड़े फ्राई कर लें। और इसमें जो है हम बाकी जो मसाला जात है वो भी साथ में ही ऐड कर देंगे अभी अभी से। तो जितने भी मसाला जात मैंने आपको बताए हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर दें। और एक और बात है, यहाँ पे चिली पेस्ट भी मैं ऐड कर रही हूँ, और रेड चिली पेस्ट, और सुरख मिर्च, और आप भी जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है, आप भी इतना ही ऐड करें, या इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है बाकी हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, और ये भी ऐड कर दिए हमने। और इसके अलावा यहाँ पे जो पुदीना और वो ये एंड पे हम ऐड करेंगे, पुदीना वगैरह अभी नहीं ऐड करें हम तो बस। और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड ऐसे ही रहने देंगे, मिक्स अभी नहीं करेंगे इसको। इसको ढक के तकरीबन जो है 15 मिनट रखेंगे, उसके बाद जो है इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी हमारी सब्जियां हैं वो ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे, पुदीना और धनिया ऐड करेंगे हरा, और मिक्स करेंगे और पकौड़े फ्राई कर लेंगे।
15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है धनिया, और वो ऐड करेंगे इसके अंदर, धनिया और पुदीना, साथ में ही जाएगा प्याज, प्याज ऐड कर दिया है, साथ में ही जो जाएगा यहाँ पे पालक पड़ी हुई है वो ऐड जाएंगे अंदर, और साथ ही जो है यहाँ पे जो बैंगन है वो ऐड करेंगे हम। बैंगन ऐड कर दिया है, और इसके बाद जो है आलू ऐड करेंगे इसके अंदर। आलू भी ऐड कर दिए हैं मैंने, और अब क्या करेंगे, अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको इसकी इसको दिखाती हूँ। ओके, तो व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा जो मिक्स है वो बिल्कुल रेडी है, और मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये वेल कम्बाइन है और बहुत अच्छी तरीके से कम्बाइन हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसमें जो है बेसन ज़्यादा नहीं है। बेसन को हमने जस्ट बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज करना है, बाइंड करने के लिए ज्यादा नहीं ऐड करना। और अगर आपसे ये हो जाए कि बेसन में पानी ऐड ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, बेसन और ऐड कर दें। अगर जो है बेसन ज्यादा हो जाए और आपको जो है अपना सामान जो भी इसके अंदर सब्जियां वो कम नजर आ रही हो तो सब्जियां थोड़ी सी और ऐड कर दें, और नमक मिर्च अपने हिसाब से कर लें। अब हम जो है ऑयल गर्म करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। देख सकते हैं कि तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल गर्म है। अब हम इसके अंदर पकौड़े डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच जो है आपने मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा हल्की, ऐड करते जाएं। इसी तरह जो है मैं सारे ऐड करूंगी, और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक प्याज जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है, और वो जो है वो फ्राई हो रहा है। और जैसे ये फ्राई होते हैं तकरीबन जो है दोनों साइड से, और जब आप इसको टच करेंगी चम्मच की मदद से तो आपको लगेगा कि ये हार्ड हो चुकी हैं, क्रिस्पी सा महसूस होगा। चम्मच के साथ तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और दूसरी जो है इसके चेक करने की तरीका ये है कि आप जो है इसको गोल्डन ब्राउन जो है करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन सा कलर दें और निकाल लें, और दर दर डार्क करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो चलें मैं पकौड़े जो है फ्राई करती हूँ, उसके बाद जो है इसको इसकी ये फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा दूसरा बैच था, मैंने दूसरा बैच ऐड कर लिया है, और एक बैच जो है ये देख लें मैंने निकाल के इसके अंदर रख लिया है छन्नी के अंदर। और देख लें बहुत क्रिस्पी और मज़े के पकोड़े बने हैं, देख लें इस कलर के होने चाहिए, और डार्क नहीं है, लाइट से ब्राउन, लाइट से गोल्डन से ब्राउन कलर में है, और ऐसे ही आपको चाहिए हैं। और ये जो है मैंने निकाल के रख लिए हैं, और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे, और फिर मैं इसकी आपको टोटल फाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे जो है मिक्स सब्जी पकोड़ा रेडी है, बहुत यम्मी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का, क्रिस्पी सा और चटपटा सा रेडी है। साथ में आप रायता यूज़ करें, मीठी चटनी इस्तेमाल करें, और बहुत ही मज़े का है। आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा जो है मज़े के हमारे क्रिस्पी से पकौड़े जो है वो रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जो रेसिपी है वो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है, और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।